अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप कार्ड चला है और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावों में जीत दर्ज की है। अमेरिकी फॉक्स न्यूज ने रिपब्लिकन की जीत का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि अमेरिका के सबसे अमीर नेताओं में डोनाल्ड ट्रंप की गिनती होती है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने ट्रंप ने इस जीत को अविश्वसनीय बताया है। अगर बात करें ट्रंप की संपत्ति की तो उनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। इसके साथ ही दुनिया भर में उनका बिजनेस है जो मीडिया टेक्नोलॉजी से लेकर रियल एस्टेट तक है। तो आइए जानते हैं ट्रंप के पास क्या क्या है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अमीर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने व्हाइट हाउस में एंट्री ली है। अगर उनके नेटवर्थ की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ 6.6 अरब डॉलर से 7.7 अरब डॉलर के बीच बताई जाती है। एक ओर जहां फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप के पास 6.6 अरब डॉलर या फिर करीब 55,590 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, तो वहीं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक नवंबर 2024 में उनकी नेटवर्थ 7.7 अरब डॉलर या करीब 64,855 करोड़ रुपए रही। आपको बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का ऐलान किया था तब साल 2016 में उनकी नेटवर्थ 4.5 अरब डॉलर थी। हालांकि ट्रंप ने उस समय कहा था कि उनके पास इससे अधिक संपत्ति है। हालांकि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई थी। फोर्ब्स डेटा के मुताबिक 2020 में उनकी संपत्ति घटकर 2.1 अरब डॉलर हो गई थी, लेकिन उनके कार्यकाल के बाद ये फिर से बढ़ी और 2022 में 3 अरब डॉलर हो गई। उसके बाद अब नवंबर 2024 में ये 7 अरब डॉलर के पार निकल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की नेटवर्थ में सबसे बड़ा हिस्सा ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का है, जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा उनके गोल्फ क्लब, रिसॉर्ट्स और बंगलों का है। ट्रंप की संपत्ति का जो सबसे बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का है, उनकी नेट वैल्यू फोर्ब्स के मुताबिक 5.6 अरब डॉलर की है। डोनाल्ड ट्रंप के पास भी दुनिया के बाकी रईसों की तरह एक से बढ़कर एक लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। फिर बात चाहे 1 करोड़ डॉलर कीमत के फ्लोरिडा में पाम बीच के किनारे खूबसूरत मैंशन की हो या फिर सेंट मार्टिन की लग्जरी प्रॉपर्टी की। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ट्रंप फ्लोरिडा के जिस मैंशन में रहते हैं उसका नाम मार-ए-लागो है। इसे 1927 में बनाया गया था और 1985 में ट्रंप ने इसे खरीदा था। 20 एकड़ के दायरे में मैंशन फैला है जिसमें 58 बेडरूम, 33 बाथरूम, 2 फायरप्लेस, 1 स्पा, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और गोल्फ कोर्स बना हुआ है। रिपोर्ट की माने तो 1995 में ट्रंप ने इसे एलिट मेंबरशिप क्लब में बदल दिया था, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखा था। इस मैंशन के अलावा भी ट्रंप के पास कई शहरों में महंगे और आलिशान घर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि गोल्फ के शौकीन माने जाते हैं, उनके पास 19 गोल्फ कोर्स भी हैं। ट्रंप की रईसी की झलक उनका एयरक्राफ्ट और कार कलेक्शन भी पेश करता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के पास 5 एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं रॉल्स रॉयस सिल्वर क्लाउड से लेकर मर्सिडीज बेंज सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को रियल एस्टेट कारोबार विरासत में मिला है। उनके पिता फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क के सबसे सफल रियल एस्टेट कारोबारियों में से एक थे और अपनी कंपनी के तहत उन्होंने तमाम लग्जरियस इमारतें बनवाई जिनमें ट्रंप पैलेस, ट्रंप पल टावर, ट्रंप इंटरनेशनल होटल रिसॉर्ट शामिल हैं और दुनिया के तमाम बड़े शहरों की तरह भारत के मुंबई में भी ट्रंप टावर मौजूद है।